अयोध्या में 50 साल बाद रामलला विराजे हैं। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक ऐतिहासिक पल के गवाह सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी बने थे। रामलला के अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर वो धन्य हो गए थे। अब लगता है अमिताभ बच्चन को भगवान का फिर से बुलावा आया है, तभी तो वो एक बार फिर से राम दरबार पहुंचे हैं। 9 फरवरी को अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी किसी खास कार्यक्रम के लिए अयोध्या पहुंचे थे। वो एक ज्वेलरी स्टोर की ओपनिंग करेंगे। अब राम की नगरी में बिना भगवान राम के दर्शन किए अमिताभ बच्चन जा नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने राम दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। इसके बाद उन्होंने भगवान के दर्शन किए और जिसे देख फैंस भी खुश हो गए। बीबी का वीडियो सामने आया है जिसमें वह हाई सिक्योरिटी के बीच अमिताभ की गाड़ी राम मंदिर से निकलते हुए दिखाई दे रही है। 22 जनवरी को भगवान राम के दर्शन करने के बाद अमिताभ ने जय सिया राम लिखते हुए रामलला के दिव्य स्वरूप की फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इस समारोह में वो अपने बेटे अभिषेक बच्चन और अनिल अंबानी के साथ पहुंचे थे। उस दौरान बिग बी की यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हुई थी। अमिताभ बच्चन ने हाथ जोड़कर दोनों का अभिवादन किया था। पीएम संग बिग बी की मुलाकात का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां अमिताभ बच्चन को प्रधानमंत्री मोदी हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। बिग बी के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके कई प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। इसमें कल की 2898 एडी गणपत ऊंचाई सेक्शन 84 शामिल है। 81 साल के एक्टर